भगवान कौन है? क्या कृष्ण भगवान है कि राम भगवान है कि शिव भगवान है कि जगन्नाथ भगवान है? देखिए, ये प्रश्न अक्सर उठता है कि भगवान की परिभाषा क्या है। हम ब्रह्म सूत्र के आधार पर इसका उत्तर देना पसंद करते हैं, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में वेद व्यास ने प्रथम सूत्र लिखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करो तो ब्रह्म क्या है? दूसरे सूत्र में उन्होंने इसका उत्तर दिया, जन्माद्यस्यतः। ब्रह्म वो है जिसने संसार को बनाया। तो जिसने संसार उत्पन्न किया है, जिसका ये संसार है, वो विश्व का मालिक, उसको भगवान कहते हैं। संसार का बनाने वाला एक है, इसलिए भगवान एक ही है। ये जो राम है, कृष्ण है, शिव है, ये उस एक भगवान के विभिन्न रूप हैं, क्योंकि वो भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब उसके अंदर सब कुछ करने का सामर्थ्य है। हम जीव अल्प शक्तिमान है। आप यदि चाहें तो एक समय पर ऑफिस भी रहें, दुकान में भी रहें, घर भी रहें और वॉकिंग के लिए भी जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। आप एक शरीर से सीमित, और भगवान चाहे अपने जितने शरीर बना लें। तो ये जितने शरीर हैं, जितने स्वरूप हैं, विभिन्न भगवान नहीं। हम जब पाश्चात्य देशों में प्रचार करते हैं तो अक्सर ये प्रश्न किया जाता है कि आपका हिंदू धर्म तो पॉलीथीइस्ट है, मोनोथीइस्ट नहीं है, अर्थात आप तो विभिन्न भगवानों की उपासक हैं। कहते ऐसा नहीं है, वेद कहता है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक ब्रह्म है। ये वेद का वाक्य, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमा लोकानीशत ईशनीभिः, एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। तो भगवान एक है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, वो अपने जितने रूप बना ले। एक बार मैं नीलाचल एक्सप्रेस से जा रहा था वृंदावन, तो हमारे सामने स्लीपर कोच में एक पादरी बैठा हुआ था। तो हमने उसको नमस्कार किया, भाई भगवान का उपासक है, हम तो सब धर्मों वालों का सम्मान करते हैं। किंतु उसकी विचारधारा थी कि ये स्वामी जी तो ईसा मसीह की भक्ति नहीं करते, इसलिए नरक जाने वाले। तो पादरी ने मुझे कथा सुनाई। उसने कहा, एक हिंदू गंगा जी पार कर रहा था नौका में, अब तूफान उठा तो नौका डगमगाने लगी, और उसने पुकारा, हे शंकर जी मुझे बचाओ। शंकर जी आ रहे थे बचाने के लिए, इससे पहले के शंकर जी पहुंचे, उसने कहा, हे पार्वती माँ मुझे बचाओ। तो शंकर जी लौटने लगे, पार्वती जी आने लगी। इससे पहले कि पार्वती माँ पहुंचे, उसने कहा, हे गणेश जी मुझे बचाओ। अब तो पार्वती जी लौटने लगी, गणेश आने लगे, इतने में नौका ही डूब गई। दूसरी ओर एक क्रिश्चियन था, वो डूबने वाला था गंगा जी में, उसने कहा, हे जीसु कृष्ण मुझे बचाओ। तो बस उन्होंने आके उसको बचा लिया।
ये पादरी ने मुझे कथा सुनाई। तो हमने कहा कि पादरी जी, आपकी कथा बहुत रोचक है, किंतु इसमें एक पॉइंट है, शायद आपने विचार नहीं किया। मान लो कि एक ईसाई गंगा जी में डूबने लगा, उसने कहा हे जीसु कृष्ण मुझे बचाओ। उसी समय एक ईसाई इंग्लैंड की थेम्स नदी में डूबने लगा, उसने भी कहा हे ईसा मसीह मुझे बचाओ। और ठीक उसी समय एक ईसाई अमेरिका की मिसिसिपी नदी में डूबने लगा, उसने भी कहा हे ईसा मसीह मुझे बचाओ। अब वो ईसा मसीह किसको बचाएं, इसको बचाएंगे तो ये दोनों डूबेंगे, इसको बचाएंगे तो ये दोनों डूबेंगे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, शंकर जी ने कहा पार्वती उधर जाओ, गणेश उधर जाओ, मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। अब उसने हमको टॉन्ट किया तो हमने वापस टॉन्ट कर दिया, किंतु हमारा वेद कहता है कि ये विभिन्न भगवान नहीं है, एक भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं। इसीलिए जो तत्वज्ञ भक्त होता है, यदि वो श्री कृष्ण का भी उपासक है और श्री राम के मंदिर में गया तो देखता है कि मेरे श्री कृष्ण यहाँ पर राजा बने हुए हैं, और जगन्नाथ जी के मंदिर गया तो देखता है मेरे श्री कृष्ण यहाँ पर इस भाव में दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान है। यानी वो अपने इष्ट देव को भगवान के हर मंदिर में देखता। हम तो चर्च भी जाए तो देखते हैं हमारे भगवान की उपासना यहाँ पे इस प्रकार से होती है, सब तो भगवान के ही आराधक हैं। तो वो जो विभिन्न रूप हैं भगवान के, उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता। कन्फ्यूजन क्या, क्या इनमें एक बड़ा है एक छोटा है, क्या श्री कृष्ण बड़े हैं कि श्री राम बड़े हैं। क्योंकि भागवत कहती है एते चांश पलाह कलाह पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भाई श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे और बाकी उनकी कला या अंश कला थे। तो क्या ये सही है कि एक 100% भगवान है, एक छोटे भगवान है, एक और भी छोटे भगवान, एक कुछ कृष्ण उपासक वो ऐसा मानते हैं, उन्होंने किताब लिखी है तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण तो 100% भगवान है और नारायण 93% भगवान और शंकर जी 84% भगवान। हमने कहा भाई ये परसेंटेज आपको कहाँ से आ गया, अब आगे बोलोगे 84.35%। लेकिन एक बात बताओ, भगवान तो पूर्ण है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशोपनिषद कहता है भगवान पूर्ण है, ऐसा परिपूर्ण कि उसमें से आप एक भाग भी निकालो वो भी परिपूर्ण, और जो शेष रह गया वो भी परिपूर्ण। जैसे आप 10 में से एक निकालो कितना बचा, 9 बचा। 10 में से 8 निकालो कितना बचा, 2 बचा। अब हम आपसे पूछते हैं, आप अनंत में से 10 निकालो तो कितना बचा, अनंत में से 10 निकालो कितना बचा, अनंत। तो अनंत में से 1000 निकालो अब कितना बचा, अब भी अनंत बचा। अनंत में से 1 करोड़ निकाल दो तो भी अनंत बचा। ये अनंत का गणित कुछ अलग ही है, अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत, अनंत गुणे अनंत बराबर अनंत।
तो इसी के अनुसार वेद कहता है कि भगवान तो अनंतानंत है। अगर उसका 93% होगा या 84% होगा, वो भी अनंत परिपूर्ण भगवान होगा। ये जितने भगवान के स्वरूप हैं, इनमें हमको कभी भी भेदभाव नहीं मानना चाहिए। ऐसा सोचना ये नाम अपराध हो जाता है, यानी हमने भगवान के एक स्वरूप के प्रति अपराध कर दिया, उसको छोटा माना। ये जो कहते हैं एक पूर्णावतार है, एक अंशावतार, एक गुणावतार, एक युगावतार, एक लीलावतार, एक मन्वंतरावतार, ये जो कहते हैं ये शक्तियों के प्राकट्य की दृष्टि से कहते हैं। क्या मतलब? जिस अवतार काल में भगवान को जैसी लीला करनी होती, उस लीला के अनुसार जितनी शक्ति आवश्यक है भगवान उसे प्रकट कर देते। शेष शक्ति है किंतु प्रकट नहीं की। आप लोग भी तो ऐसे करते हैं। एक बहुत योग्य गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैजिस्ट्रेट है। अब वो जब ऑफिस में है तो बड़ी योग्यता विद्वत्तापूर्ण कार्य करता, लेकिन दोस्तों के साथ यदि घूम रहा है शाम को इवनिंग वॉक, तो रिलैक्स होके बातचीत कर रहा है। और घर में उसके बच्चे के साथ खेलता है तो तोतली भाषा का उपयोग करता। बेटा तेला क्या हालचाल है? अब उस समय यदि कोई मैजिस्ट्रेट को देखे और कहे साहब ये है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनकी ये योग्यता है, ये तोतली भाषा में बोलते हैं, बेटा तेला क्या हालचाल है? अजी साहब ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यहाँ पूरी शक्ति प्रकट नहीं कर रहे हैं। यदि इनकी योग्यता देखनी है तो तब देखिए जब ये ऑफिस में बैठते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको एक मच्छर मारना है तो वहाँ पर आप कोई बंदूक लेके तो मारेंगे नहीं, थोड़ा सा फ्लिट हिट इत्यादि का उपयोग कर लेंगे। मान लो कोई विश्व विख्यात रेसलर है, दारा सिंह है, लेकिन उसको लैटरिन जाना खेत में, तो उसने एक लोटा जल उठाया हुआ। अब कोई देख के कहे दारा सिंह की इतनी ही योग्यता है, एक लोटा उठा सकता है, इतना तो टीबी का मरीज भी उठा लेगा। अरे भाई, अब जब लैटरिन जाना है तो एक लोटा उठाएगा, दो ड्रम उठाने की आवश्यकता थोड़ी। इसी प्रकार से भगवान को जिस अवतार काल में जितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ी उतनी उन्होंने प्रकट कर दी। शक्तियां सब थी भगवान के प्रत्येक अवतार में, ऐसा शास्त्रों ने लिखा है। सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः। पद्म पुराण, वेद व्यास जी जो भगवान के ही अवतार हैं वो लिख रहे हैं सर्वे पूर्णा, प्रत्येक अवतार परिपूर्ण है। सर्वे सर्वगुणैः पूर्णा, प्रत्येक अवतार में सब शक्तियां हैं। इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए राम नाम सकलते अधिका, कृष्ण नाम सकलते अधिका। आप किसी एक इष्ट देव की भक्ति करें लेकिन सब का सम्मान करें। और इससे बड़ी बात, जो राम थे वो ही तो कृष्ण बन के आए, सारे के सारे परिकर साथ ही साथ आए। लक्ष्मण जी बलराम बने इत्यादि। तो एक कथा आती है कि एक बार मैया यशोदा अपने कृष्ण को सुला रही थी, तो माँ बच्चे को सुलाने के लिए लोरी सुनाती है
कि सुनते सुनते उसकी बुद्धि मस्त हो जाए और वो सो जाए। मैया ने सोचा आज मैं अपने लाला को राम कथा सुनाती हूँ, क्योंकि राम तो त्रेता में आए ना, अब कृष्ण द्वापर में आए, तो राम कथा उस समय संसार में थी, कृष्ण कथा नहीं थी, वो तो अवतार अभी हो रहा था। यशोदा ने कहा लाला सुन, रामो नाम बभूव। और मैया ने कहा तू हुंकार भरता जाना। तो कहती है रामो नाम बभूव हुम तदबला सीते तिहुम। लाला एक राजकुमार था जिसका नाम था राम, और राजकुमारी उसकी पत्नी थी सीता। ताम पितुर्वाचा पंचवटी वने निवसितस्तस्या हरद्रावण। तो वो पिता की आज्ञा पालन करके वन में गए, और वहां एक राक्षस रावण आ गया, उसने सीता को उठा लिया और चला गया। तो यशोदा अपने कृष्ण को कथा सुना रही थी, और कृष्ण सुनते जा रहे थे, धीरे धीरे नींद आ रही थी। रामो नाम बभूव तदबला सीते थी। तो जब मैया ने कहा कि तस्या हरैव रावण, अचानक श्री कृष्ण खड़े हो गए और बोलने लगे कृष्णस्मात, अरे मैया, हा सीते लक्ष्मण, मेरा धनुष किधर है, इधर लाओ। कृष्णस्यैव पुरातनीं निजकथा मा कर्ण्यमात्रेरिताम् क्व धनुर्धनुर्धनुरिति व्यग्राग्रः पान्तुनः। तो मैया ने देखा है कि ये हा सीते क्या कर रहा है, अरे मेरा धनुष किधर है, ये क्या हो गया मेरे लाला को। लेकिन मैया को पता नहीं, इसी को तो सीता जी का विरह हुआ था, यही तो त्रेता में राम बन के आया था, और इसी को सीता जी का विरह हुआ। तो वो कथा सुन के स्मरण आ गया, और छोटा सा लाला हा सीते करने लगा। तो ये राम कृष्ण इत्यादि एक ही परात्पर तत्व के विभिन्न स्वरूप हैं।